ओम नमः शिवाय। पौष मास शुक्ल पक्ष शनिवार त्रयोदशी तिथि शाम 5:30 बजे तक लगी रहेगी, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में आज भी 11:15 तक चलते रहेंगे, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर मजबूत शरीर वाले, अपने भाइयों के प्रिय, बुद्धिमान, सबसे प्रेम व्यवहार करने वाले, पूर्वानुमान लगाने में कुशल होते हैं और पूर्वाभास महसूस करने वाले भी होते हैं। यह प्रकृति प्रदत्त गुण इनके अंदर बना रहता है। खोजी मस्तिष्क वाले नशीली वस्तुओं का व्यापार करने वाले और यात्रा प्रिय मानसिकता के होते हैं। सामाजिक तौर पर सफल, उन्नतिशील और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, दशा ठीक रही, राहु और बुध की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में ही चलते रहेंगे। आज के चंद्रमा पर शनि की सप्तम दृष्टि और मंगल की चतुर्थ दृष्टि कायम रहेगी, मगर नक्षत्र राहु का होगा जिससे नेतृत्व करने की क्षमता और कार्य की अधिकता बनी रहेगी। सरकारी कामकाज में सफल रहेंगे, प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित किए जाएंगे। सम्मानजनक स्थिति पूरे दिन बनी रहेगी, मगर भ्रम की स्थिति, दूसरे के सलाह पर अमल करने से धोखा होने का खतरा, सामान गायब होना या चोरी होने का अंदेशा, साथ ही साथ यदि आत्मविश्वास में कमी हुई तो मन में नकारात्मक विचारों का पैदा होना भी संभावित है। हालांकि आर्थिक स्थिति में सहयोग मिलेगा, रुके हुए पैसे मिलने का योग भी बनता है और रचनात्मक क्रियाशीलता लाभ दिलाने वाली होगी। कोई भी आर्थिक निर्णय सोच समझ कर और सावधानी से लेना चाहिए। साथ ही आज का राहु का नक्षत्र है, अतः आज के दिन किसी से उधार या ऋण नहीं देना चाहिए, ना ही ऋण के रूप में कोई सामान ही देना चाहिए, अन्यथा धन वापसी में परेशानी महसूस होगी। साथ ही आज का राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक लगा रहेगा, इस दौरान किसी नए काम की शुरुआत ना करें या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए। मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज पराक्रम भाव में चल रहे हैं, सार्थक पहल जारी रहेगा, हर काम करने में उत्साह की स्थिति बनी रहेगी, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी और तर्क शक्ति का इस्तेमाल लाभदायक रहेगा। सरकारी योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी, मगर मां के स्वास्थ्य की चिंता, सामान गायब होना या चोरी होने का अंदेशा और भ्रमात्मक स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, साझेदारी लाभदायक रहेगी, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल है, वैवाहिक मामलों में सफलता मिलेगी, अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा। वृष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दूसरे घर में मिथुन राशि में चल रहे हैं, वाणी में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, मगर मानसिक अस्थिरता संभावित है, प्रयासों में कमी और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित रहेगी। अपने मूल उद्देश्य के प्रति मन को केंद्रित करने में परेशानी महसूस होगी और विचारों में विरोधाभास का संकेत मिलता है, फिर भी रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे और आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें। पिता व उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, रुके हुए काम संपन्न होंगे, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर सावधानी अपेक्षित है। मिथुन राशि के जातकों की रचनात्मक क्रियाशीलता बनी रहेगी, नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होगी, कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। चंद्रमा आज आपकी राशि पर ही चल रहे हैं, मगर भ्रमात्मक दौर भी जारी रहेगा। हालांकि आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, संतान पक्ष से राहत भरी खबर मिल सकती है, पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी, पारिवारिक संबंधों के साथ ही साथ साझेदारी के कामों में भी विरोधाभास महसूस होगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा आज 12वें घर में मिथुन राशि में चल रहे हैं, सामाजिक व व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा, आपकी अतिरिक्त जिम्मेदारी, सक्रियता और ऊर्जा स्तर हर काम में सफलता दिलाएंगे, मगर दोषारोपण की संभावना और संतान संबंधी मामलों में विरोधाभास और अनावश्यक चिंता बनी रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सार्थक प्रयास जारी रखें, अच्छे कामों में खर्च संभव है, भूमि वाहन या प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए अनुकूलता बनी रहेगी, न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे और छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति बनती है। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्रमा एकादश भाव में चल रहे हैं, प्रभावशाली व्यक्तित्व और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी, व्यावसायिक साझेदारी में लाभ संभव है,
आर्थिक मामलों में सावधानी अपेक्षित है। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। भविष्य की योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है। संतान संबंधी चिंताओं में कमी आएगी। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, मगर मानसिक उलझने और भ्रम की स्थिति संभावित है। कुछ मामलों में अनावश्यक रुकावट व अड़चनें भी पैदा हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा दशम भाव में चल रहे हैं। व्यावसायिक उन्नति का दौर जारी रहेगा। मित्रों, सहयोगियों और राजनीतिक व्यक्तियों से दिशा निर्देश और सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी। आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा, मगर कार्य क्षेत्र में भ्रम की स्थिति भी बनी रहेगी और विरोधी दबे रहेंगे। हालांकि प्रतिनिधित्व करने की क्षमता और सकारात्मक आर्थिक निर्णय लेने की मानसिकता बनी रहेगी। वाद विवाद को निपटाने की कोशिश सफल रहेगी। निजी और पारिवारिक मामलों में आपसी सामंजस्य में कमी और विरोधाभास का संकेत मिलता है। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और सार्थक प्रयास सार्थक होंगे। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा भाग्य भाव में चल रहे हैं और राहु के नक्षत्र में है। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ी रहेगी, मगर अचानक बाधा संभव है। धन लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी और कार्य क्षेत्र में उत्साह बना रहेगा। कुछ रुके हुए काम संपन्न हो सकते हैं। साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक सिद्ध होंगे और राजनीतिक व्यक्ति से भेंट संभव है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता संभावित है। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे, मगर मन अंतर्द्वंद और आशंकाओं से भरा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। मांगलिक कार्यक्रम और शादी के प्रस्ताव सफल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा आठवें घर में चल रहे हैं। सकारात्मक कार्य ऊर्जा का सहयोग बना रहेगा, मगर महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। हालांकि कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। व्यावसायिक योजनाओं को बल मिलेगा और उसमें निवेश लाभदायक होगा। हालांकि कुछ कामों में रुकावट का संकेत भी मिलता है। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी। निजी रिश्तों में विरोधाभास की संभावना बनती है। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें और छोटी यात्रा या प्रवास संभावित है। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। धनु राशि के राजस्वामी बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हैं और चंद्रमा सातवें घर में चल रहे हैं। आज हर मामले में अनुकूल महसूस करेंगे। आपकी कार्य ऊर्जा बढ़ी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। व्यावसायिक मामलों में काम सुचारू ढंग से चलता रहेगा। साझेदारी में सावधानी अपेक्षित है। नई कार्य योजनाओं के प्रति समय अनुकूल है। रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे और आवश्यक संसाधनों को बल मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में समय अनुकूल है। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकता है। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और वैवाहिक प्रस्ताव अनुकूल रहेंगे। मकर राशि के राजस्वामी शनि 12वें घर में बैठे हैं और चंद्रमा 6ठे घर में चल रहे हैं। व्यक्तित्व में निखार आएगा। नेतृत्व करने की क्षमता और बौद्धिक ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी, जिससे व्यावसायिक उन्नति में सहयोग और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। मित्रों से सहयोग और संतान के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शासन सत्ता का सहयोग और आंतरिक प्रेरणा बनी रहेगी, मगर चंद्रमा के 6ठे घर में होने से प्रतियोगी भावना बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में बल मिलेगा। रुके हुए काम संपन्न होंगे। विभागीय सहयोग बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के राजस्वामी शनि 11वें भाव में बैठे हैं और चंद्रमा 5वें घर में चल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी उतार चढ़ाव और आत्मविश्वास में भ्रमात्मक स्थिति संभावित है, मगर व्यावसायिक पक्ष मजबूत रहेगा और भाग्यवश कुछ काम संपन्न होंगे। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रति आपका प्रयास सफल हो सकता है। विरोधियों से सावधानी अपेक्षित है, मगर विरोधाभास की संभावना भी बनती है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। आवश्यक संसाधनों में वृद्धि होगी। परिवार में हर्ष और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। मीन राशि के राजस्वामी बृहस्पति 9वें घर में बैठे हैं और चंद्रमा 4थे घर में चल रहे हैं। आत्मविश्वास और निजी सुख संतुष्टि में कमी आएगी और मत भिन्नता संभव है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्थक प्रयास जारी रखें। सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बनता है। कुछ समय के लिए धैर्य और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव संभावित है, मगर कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। काम होते रहेंगे और आर्थिक लाभ मिलता रहेगा। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों को मानसिक दबाव महसूस होगा। मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें और वैवाहिक मामलों के लिए उचित समय का इंतजार करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।